तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं Realme X7 Pro के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। भाई बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा इतना लंबा गैप मैंने क्यों लिया। हालांकि मैं कभी लेता नहीं हूँ, ना ही मैंने 2021 में लेने का कोई प्लान किया था, बट कुछ सीरियस इमरजेंसी था इसलिए लेना पड़ा। तो भाई Realme X7 Pro ना एक धमाकेदार फ़ोन होने वाला है, 4th फरवरी को आने वाला, बट इसका जो ईशान अग्रवाल ने भाई पूरी तरह से लीक कर दिया है ट्विटर पर, थैंक्स टू यार सीरियसली मज़ा ही आ गया। तो चलिए आपको बता दें स्पेसिफिकेशन क्या है, और सीरियसली स्पेसिफिकेशन बहुत ही मज़ेदार, साथ ही साथ प्राइस भी कंफर्म है। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1000 प्लस 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है दोस्तों, 2.6 GHz पे क्लॉक स्पीड है, बहुत ही अच्छी बात है। Antutu बेंचमार्क जो है 5,40,000 है, जो Qualcomm Snapdragon 865 को आराम से बीट कर सकता है। डुअल फ्रीक्वेंसी GPS को सपोर्ट करता है दोस्तों। फोन का वेट यूजर काफ़ी हल्का रखा है Realme ने, 184 ग्राम का है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन एंड बुट्स में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्पीकर लिखा गया है, और 2 स्पीकर देखिए मेरा गट फीलिंग्स बता रहा है शायद इसमें आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं शायद आपको 2 स्पीकर मतलब कि डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। देखते हैं जब लॉन्च होगा तो ही पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको 8GB RAM प्लस 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और ये जो है UFS 2.1 और साथ ही साथ जो है टर्बो वाइड सपोर्ट के साथ आता है। तो भाई देखते हैं, टर्बो वाइड भी जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, UFS 2.1 को और बूस्ट कर देता है। 65 वॉट का सुपर चार्जर आपको देखने को मिल सकता है, चार्जिंग स्पीड साथ ही साथ 4500 mAh का बैटरी रहेगा, जो आपको फोन को 35 मिनट्स में 100% चार्ज कर देगा। 6.5 इंच का जो है आपको ये सुपर एमलेट फुल स्क्रीन के साथ आएगा, यानी कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ होने वाला है। टच सैम्पलिंग रेट 240Hz का रहने वाला है, और दोस्तों इसका बात कर लेते हैं तो आपको ये फुल HD+ सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ 3:2 बॉडी रेशियो 91.6% होने वाला है। तो भाई मुझे नहीं लगता है स्क्रीन के मामले या फिर चार्जिंग के मामले में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 5G डुअल मोड सपोर्ट करता है, ये यानी कि एक बार में आप 2 5G सिम लॉन्च लगा सकते हैं। जब आगे जियो या एयरटेल दोनों या कि कोई भी लॉन्च करेंगे ना सिम 5G, तो आप मान लो अगर आप दोनों ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि एक में 5G लगाओ और दूसरे में 4G, नो दोनों में ही 5G लगाओ, यस दोनों सिम 5G का लगाओ और आराम से इस्तेमाल करो। और अभी तक बहुत कम ही ऐसे प्रोसेसर है जो डुअल 5G मोड के साथ आ रहे हैं, तो ये पहला प्रोसेसर रहती है। उसके बाद दोस्तों कैमरा की बात कर लेते हैं, तो 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा, जिसमें आपको सोनी IMX686 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जिसमें आपको 190 फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उसके बाद एक ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस होने वाला, तो काफ़ी अच्छी बात है। 4 कैमरा का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। ओवरऑल समरी की बात कर लेते हैं, तो Dimensity 1000 प्लस 5G प्रोसेसर, 120Hz का सुपर AMOLED फुल स्क्रीन, 65W का सुपर चार्जिंग स्पीड, उसके बाद 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 5G प्लस 5 का आपको जो है डुअल स्टैंडबाई मिलने वाला, और सुपर स्लिम प्लस लाइट वेट भी होने वाला है इस बार, और तीन धमाकेदार कलर्स में इसमें आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मेरा एक्सपेक्टेशन जहाँ तक माना जा रहा है, इस फोन का जो प्राइस है वो 21,999 होने वाला है हायर वेरियंट, और जो लोअर वेरिएंट होगा 6GB RAM या फिर 8GB RAM 128GB इंटरनल, वो जो है आपको पड़ेगा शायद 19,999। देखते हैं 4 फरवरी को फोन लॉन्च हो रहा है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला इसका फाइनल प्राइस। मैं तो इस फोन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हुआ, कोशिश करूंगा कि इस फोन को ले पाऊं, पर श्योर नहीं हूं, बट देखते हैं मम्मी पापा मानेंगे तो भाई जरूर ले लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।